मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। फिल्म भारत का क्लाइमेक्स हुआ लीक, 10 करोड़ का सेट होगा बर्बाद। सलमान खान पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म भारत का क्रेज अभी से लोगों के बीच दिख रहा है। इसी बीच फिल्म का क्लाइमेक्स लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स कुछ अलग और दिल दहलाने वाला होगा, जहां 10 करोड़ की लागत से बने सेट को तबाह कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो ये सेट दिल्ली का है, जिसे मुंबई की फिल्म सिटी में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस सीन को शूट करने के लिए पूरा एक दिन लगेगा, जिसमें सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर और तब्बू की टीम नजर आएगी। बॉक्स ऑफिस पर इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी गली बॉय। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टार मूवी गली बॉय का वैलेंटाइन वीक पर रिलीज होना मूवी लवर्स के लिए ट्रीट है। म्यूजिक ड्रामा फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हो गई है। गली बॉय ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए अच्छा कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज किया है। मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे सर्किटों ने बिजनेस में भारी योगदान दिया है, जबकि कोलकाता और दिल्ली के सिनेमाघरों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद है कि मूवी की बुकिंग में 40-45% तक का जंप देखने को मिल सकता है। फिल्म का बजट 50 करोड़ बताया जा रहा है। ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक गली बॉय पहले दिन 15 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। एक फिल्म एग्जीबिटर का अनुमान है कि रणवीर सिंह की फिल्म वैलेंटाइन डे की वजह से फर्स्ट डे 18 से 20 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखकर माना जा सकता है कि गली बॉय 12-15 करोड़ के आसपास कमाकर 2019 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। कहा जा रहा है कि आलिया के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हो सकती है। रणबीर कपूर को काम करता देख डायलॉग भूल जाती है आलिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं। जब आलिया से रणबीर की एक्टिंग के बारे में पूछा गया तो आलिया ने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा, मैंने मेरी जिंदगी में इतना नेचुरल एक्टर नहीं देखा, वो सबसे महान अभिनेताओं में से एक है। न केवल मैं एक एक्टर के रूप में उनकी शौकीन हूँ, बल्कि बहुत सारी लड़कियां और लोग भी उनकी एक एक्टर के रूप में प्रशंसा करते हैं। वो बहुत ही कूल इंसान है, सेट पर खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबो लेते हैं। मैं जब सेट पर उन्हें काम करता देखती हूँ तो कभी कभी अपने डायलॉग भी भूल जाती हूँ। आलिया ने आगे कहा, आमतौर पर मुझे मेरे डायलॉग याद रहते हैं, जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं कभी मेरी लाइन्स नहीं भूलती, लेकिन जब मैं रणबीर को परफॉर्म करते हुए देखती हूँ तो उस टाइम अपने डायलॉग भूल जाती हूँ। जब रणबीर इमोशनल हो रहे होते हैं तो वो इसे बहुत सहजता से करते हैं, मैं बस उसे देखती रहती हूँ। सनी देओल के बेटे के डेब्यू पर भावुक, धर्मेंद्र ने मांगी दुआ। वैलेंटाइन डे पर देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी ने बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। सनी देओल के बेटे करण देओल इस साल पल पल दिल के पास से डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। देओल परिवार के लिए ये बेहद खास और इमोशनल मौका है। बॉबी देओल के बाद सीधे करण का डेब्यू हो रहा है। देओल परिवार में सिनेमा की परंपरा शुरू करने वाले धर्मेंद्र अब तीसरी पीढ़ी को अपनी विरासत सौंप रहे हैं। धर्मेंद्र ने फिल्म के पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, दुआओं में दम होता है, दुआओं का तलबगार हूँ, मेरी शाखों से फूटे फूल ये हमेशा हमेशा महकते रहे, तरोताजा रहे। पल पल दिल के पास एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सनी देओल ने खुद डायरेक्ट किया है। करण के साथ फिल्म से सहर बांबा भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का टाइटल भी धर्मेंद्र की हिट फिल्म ब्लैकमेल के सुपरहिट गाने पल पल दिल के पास तुम रहती हो से लिया गया है। ऐश्वर्या राय से शिल्पा शेट्टी तक बॉलीवुड सेलेब्स ने मनाया वैलेंटाइन डे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने फैमिली के साथ तस्वीर शेयर की है, जो ये दर्शाता है कि वैलेंटाइन सिर्फ प्रेमी जोड़े के लिए नहीं बल्कि फैमिली से प्यार दिखाने का भी दिन है। सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के साथ रोमांटिक पोज देते हुए तस्वीर शेयर की है। कैप्शन में लिखा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई लव, मिस यू एंड आई विल सी यू सून। एक्ट्रेस बिपाशा बसु को उनके पति ने फूलों के साथ एक लव लेटर दिया। शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा संग एक क्यूट सा वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, माय वैलेंटाइन ऑलवेज एंड फॉरएवर मिस यू, आवर फर्स्ट वैलेंटाइन अपार्ट, कांट वेट टू सेलिब्रेट एवरी डे विथ यू। अनिल कपूर को प्लेन में एयर होस्टेस ने वैलेंटाइन डे विश किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लव इज इन द एयर, थैंक यू जेट एयरवेज मेरे वैलेंटाइन डे को बेहद स्पेशल बनाने के लिए। सबसे मजेदार ट्वीट करण जौहर का है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले 46 सालों से प्यार की तलाश में हूं, अब ये प्यार के लिए वापसी का समय है, उसे मुझे ढूंढना होगा। एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने पति संग फोटो शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक बीती रात मुझे खुश करने के लिए बस फ्रोजन योगर्ट चाहिए और ये बात उसे पता है, हैशटैग वैलेंटाइन। सिंगर नेहा कक्कड़ का पिछले दिनों ब्रेकअप हुआ था, वो सिंगल है लेकिन दुनिया भर में उनके कई चाहने वाले हैं। ऐसे एक फैन का वीडियो नेहा ने शेयर किया है, जो उन्हें वैलेंटाइन डे विश कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले से गुस्से में है बॉलीवुड।
पुलवामा आतंकी हमले में अब तक 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। चारों तरफ इस हमले की निंदा की जा रही है। देश विदेश के राजनेता से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी ने इस हमले की निंदा की है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, अनुपम खेर, मधुर भंडारकर से लेकर रितेश देशमुख तक ने इस घटना की निंदा की है। रितेश देशमुख ने ट्वीट किया है, ये घटना बेहद दर्दनाक है, शहीद के परिवारों के लिए सहानुभूति है, दुआ करता हूँ कि घायल जवान जल्द स्वस्थ हों। अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि इस घटना से बहुत गुस्से में हूँ, मेरी सहानुभूति शहीद के परिवार वालों के साथ है। श्रीदेवी की डेथ एनिवर्सरी पर भावुक हुए बोनी कपूर। दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी की पहली पुण्यतिथि पर बोनी कपूर परिवार संग चेन्नई पहुंचे। श्रीदेवी की पुण्यतिथि के मौके पर चेन्नई स्थित पैतृक घर में पूजा का आयोजन था। पूजा में शामिल होते वक्त बोनी कपूर काफी भावुक हो गए थे। श्रीदेवी का निधन पिछले साल 24 फरवरी को दुबई में हुआ था, लेकिन तिथि के अनुसार 14 फरवरी को उनकी पहली पुण्यतिथि है। एक्ट्रेस की बरसी पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थाला अजीत कुमार अपनी पत्नी के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुण्यतिथि पर कपूर परिवार के दूसरे लोग भी नजर आए। अनिल कपूर भी पूजा में शामिल होने पहुंचे। मुश्किल घड़ी में अनिल के परिवार ने बोनी जानवी खुशी का काफी ध्यान रखा। कपूर खानदान आज भी श्रीदेवी के जाने के गम से नहीं उबरा है। कई इंटरव्यू में जानवी कपूर और बोनी कपूर ने कहा है कि उन्हें अभी तक श्रीदेवी के चले जाने का यकीन नहीं हुआ है। वैलेंटाइन डे पर सलमान का तोहफा स्टार किड्स को किया लॉन्च। सलमान खान ने अब तक बॉलीवुड में नए चेहरों को अपने होम प्रोडक्शन में मौका दिया है। फिल्म लव रात्रि में आयुष शर्मा को सलमान ने लॉन्च किया था। इसके बाद बीते साल मई में जहीर इकबाल को लॉन्च करने की घोषणा थी। जहीर इकबाल जल्द ही सलमान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नोटबुक में नजर आने वाले हैं। उनके साथ मोनीश बहल की बेटी को सलमान खान लॉन्च कर रहे हैं। दोनों स्टार किड्स को लॉन्च करते हुए सलमान ने फिल्म का पहला पोस्टर वैलेंटाइन डे पर शेयर किया है। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिना मिले कभी प्यार हो सकता है, पेश कर रहा हूँ प्रणूतन बहल जहीर इकबाल, एक यूनिक लव स्टोरी जिसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 29 मार्च को रिलीज होगी। सामने आया मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी का कार्ड। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी का शाही कार्ड सामने आ चुका है। कार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस कार्ड का एक एक हिस्सा दिखाया गया है। लाल रंग का ये कार्ड बेहद सुंदर है और कार्ड के अंदर सभी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। आकाश अपनी मंगेतर श्लोका मेहता के साथ मार्च में 7 फेरे लेंगे। कार्ड के ज्यादातर पेजों पर राधा कृष्ण और गणपति की तस्वीरें लगी हुई है। कार्ड को खोलते समय भगवान की आराधना का संगीत बजता है। कार्ड में पीले, गुलाबी, नीले, हरे और सफेद लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा नीता और मुकेश का लिखा गया एक नोट भी है। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।